मेरी तरफ से मेरठी खान के लोगों को और पूरे अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक, कुर्बानी मुबारक हो जी, हज की खुशियाँ मुबारक हो। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी माहौल डिस्टर्ब है, तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए, अभी भी थोड़ा फासला भी रखें और एहतियात भी रखें ताकि ये जो बीमारी है इसका जल्द से जल्द हमारे जो है ना इससे खात्मा हो सके और हमारा जो है ना मजीद परेशानी ना। एक्टिव तो पीटीआई ने मुझे कर दिया है जी, माहौल देखें काम हो नहीं रहा, ना किसी के ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, ना सफाई का मसला नहीं है, ना ही लोग जो कहते हैं कि गवर्नमेंट भी उनकी है, दो MNA हैं, MPA उनके हैं, मिनिस्टर उनके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूसी डिवाला में आप देख लें क्या पोजीशन है, निकासी का जो मसला है पूरे का पूरा इलाका जो है ना उसमें वो तालाब को मंजर शो कर रहा है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर और लोड शेडिंग की वजह से लोगों के गर्मी की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, तो लोग मेरे पास आते हैं काम के लिए, तो मुझे काम पर उनके लिए काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर भी लगाने पड़ते हैं, तो लोग मेरे साथ हैं। इस टाइम जो पोजीशन है, जो हालात हैं, वो आपके सामने टाइगर फोर्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस बना रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पम्प गिरा रहे हैं लोगों के ऊपर, महंगाई का जो सिस्टम है, चीनी अब 100 रुपये क्रॉस कर चुकी है, टमाटर आज 140 रुपये किलो है, प्याज का रेट देख लें, महंगाई का जो दालें और सब्जियों के रेट जो थे ये गुज़श्ते 3-4 दिन से, वो आप देख लें कि क्या पोजीशन है। सिर्फ ये इमरान खान टाइम पास कर रहा है, और अगर ये 5 साल तक रहा तो ये मुल्क को इस तरह मईशत को तबाह करेगा कि फिर इसको दोबारा अपने फॉर्म पर खड़े करने में भी कई साल लगेंगे। हाँ गड्ढा तो जी अभी अमीन गंडापुर और अफसर खान को खुश करने के लिए और अपने कमीशन के लिए सारा सिस्टम बना रहा है। प्राइवेट कॉलोनी थी, वो कॉलोनी फलाप हुई, उस कॉलोनी को आप 5 गुना बढ़ा के रेट के ऊपर गवर्नमेंट को दी गई ठेके पर, लीज के ऊपर 10-15 साल के बाद अगर वो 15 लीज ख़त्म कर दे तो फिर अड्डा कहाँ जाएगा। ये टोटली अपना पेट और करप्शन और उसके लिए कर रहे हैं। जिन इंतजामिया कहाँ है, DC साहब से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, DPO साहब क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये फोटो सेशन इन चीज़ों से कुछ होता है, या बताएं कि यहाँ पर किसी को अभी तक रिलीफ मिला है। लोग एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो लोगों के काम नहीं होते। ठीक है जी, DC साहब के पास अब ये ईद के दिन थे, सफाई का निज़ाम आप देख रहे हैं, आप इस रोड पर आए हैं, ये दरिया का मेन रोड है जहाँ पर लोगों के लिए तफरी का वेल प्रोग्राम है, और यहाँ पर आप देखें कितनी गंदगी पड़ी हुई है। मेरा ख्याल में 6 माह से कम नहीं मिल सके DC साहब को, कोरोना की वजह से वो कैंट में है, तो कैंट में जाना बंद है, बाहर वो निकलते नहीं है, निकलते हैं तो फोटो सेशन करके फिर वापस चले जाते हैं जी। मेरी तरफ से तो मेरठी खान के लोगों को मैंने हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोगों का कोई भी मसला हो, वबा के हवाले से, ट्रांसफार्मर के हवाले से, निकासी के हवाले से, तो मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, आप आए, इंशाल्लाह आपका काम जो है ना यहाँ पर होगा और बगैर किसी रुकावट के होगा।